Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, ये तो पता है guys, हमको जल्दी हमारे 20 इंग्लैंड ब्रॉक लेंस guys, वो उनका रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं कमिंग फ्राइडेस में उनके एपिसोड में, तभी guys वो हमको पॉसिबली कन्फ्रंट करते हुए दिखने वाले हैं हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज को। गाइज ऐसे बहुत ही सारे रूमर्स और स्पेकुलेशन आ रहे हैं पॉसिबली guys हमको डे वन के पेपर guys ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का मैच दिखा सकती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि guys जैसे बहुत ही सारे रिपोर्ट्स आए गए WWE ने guys उनको चेक किया तो डे वन पेपर guys वो उनको सबसे बड़ा बना है, क्योंकि ये WWE का बहुत ही बड़ा एक्सपेंड होने वाला है इन द बिगेस्ट कमिंग ईयर्स, क्योंकि WWE को लगता है कि अगर वो साल के पहले दिन पेपर रखती है तो उनको ज्यादा अटेंशन मिलेगा और उनको ज्यादा रेवेन्यू होगा, इसलिए WWE ने साल के पहले दिन ही WWE का डे वन पेपर व्यू रखा है। हम बोले बात करते हैं कभी बड़े पेपर गैस गैस एक पेपर गैस तभी बड़ा पेपर हो जाएगा, कभी गैस हमको दिखते हैं वहाँ पे बड़े मैचेस गैस एग्जाम्पल देखते हैं गैस कि गैस जो ये साल का बनी टाइप का इवेंट है गैस वो हेडलाइन हुआ था एज वर्सेस रोमन रेंज के मैच से, इसलिए गैस वो ऑटोमेटिकली एक बड़ा इवेंट बन गया था। फिर गैस बात करते हैं समर स्लैम के बारे में, गैस वो हेडलाइन हुआ था जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंज के मैच में, गैस वो भी एक ऑटोमेटिकली एक बड़ा इवेंट हो गया था। फिर गैस हम लोग बात करते हैं और एक बारे में, वो था क्राउन जूल गैस, वो भी हेडलाइन हुआ था रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच से, जो कि एक ऑटोमेटिकली बन गया था और एक बड़ा पेपर व्यू। और जैसे रिपोर्ट चल रहा है WWE का डेब्यूट पेपर व्यू होने वाला है, और जो WWE गाइस वो शायद से प्लान करिए ये पेपर व्यू को सबसे बड़ा बनाना, और एक बड़ा बनने की बात की तो WWE का हमको ये पेपर व्यू में सबसे बड़ा सरप्राइज मैच दे सकती है, और वो रहेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज, क्योंकि ब्रॉक लेसनर गाइस वो एक बहुत ही बड़े स्टार है WWE में और WWE को बहुत ही ज्यादा फायदा कराते हैं तभी भी वो मैचेस रेसल करते हैं, नहीं तो वो अपीयरेंसेस करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं प्लान रहता कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का मैच रॉयल रंबल ने तो जल्दी लेके नहीं आती, मोस्ट प्रोबेबली गाइस हमको डे वन के पेपर में गाइस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का मैच दिखाने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। फिर अभी बात करते हैं कौन ये मैच में पॉसिबली जीतते हुए दिख सकते हैं, सो बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट्स आ रहे हैं पॉसिबली गाइस रोमन रेंज का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो रेन है गाइस वो हमको खत्म होते हुए दिख सकता है WWE के डे वन के पेपर में, क्योंकि जो WWE गाइस वो अभी फिलहाल गाइस रेसलमेनिया 38 के लिए एक बहुत ही बड़ा मेन इवेंट मैच प्लान कर रही है बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, यानी कि WWE गाइस जो मैच हमको डे वन में दिखा रही है क्या वो मैच वर्डी रहेगा रेसलमेनिया 38 और जो हमारे 20 इंग्लैंड ब्रॉक लेसनर गाइस वो हमको जीतते हुए दिख सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। बहुत ही सारे हमको ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि गाइस WWE अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा हेवनली कंसीडर कर रही है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए 38 के लिए, प्लानिंग वो इनके इसको एक लॉन्ग टर्म फ्यूर बनाने वाले हैं और वो रेसलमेनिया को सबसे बेस्ट इवेंट, जो विंस मैकमैन है उनको ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के मैचेस बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए जो विंस मैकमैन है उनको भी चाहिए कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का मैच कराए एट रेसलमेनिया 38 फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली गाइस हमको डे वन के पेमेंट गाइस हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज को गाइस वो ब्रॉक लेसनर के सामने हराते हुए दिख सकते हैं और हमको ब्रॉक लेसनर गाइस बनने दिख सकते हैं द न्यू WWE यूनिवर्सल चैंपियन, ब्रॉक लेसनर गाइस वो फिर से हारते हैं रोमन रेंज के सामने, सो गाइस वो ब्रॉक लेसनर गाइस वो क्या बात पे रोमन रेंज को चैलेंज है गाइस, हम देखते हैं कि जो चैलेंज है गाइस वो बार हारता है तो उसके क्रेडिट भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और फैंस को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है उनके फ्यूड में, इसलिए पॉसिबली गाइस इनकी फ्यूड थोड़ी सी फ्रेश रखने के लिए और उनको और ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने के लिए गाइस इनकी फ्यूड गाइस नो डाउट गाइस वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड होने वाले इन रीसेंट ईयर्स, इसलिए हमको ये फ्यूड और भी अच्छा करने के लिए गाइस वो हमको मोस्ट प्रोबेबली वंकी पेपर में गैस जो हमारी 20 इंग्लैंड ब्रॉक लेसनर गैस वो हमको बनाते हुए दिख सकती है द न्यू WWE यूनिवर्सल चैंपियन, फिर ये हमको चीज लीड करेगा रोमन रेंज और ब्रॉक के थर्ड एंड फाइनल मैच के जो कि रहेगा रेसलमेनिया 38 में, यानी कि हमको पता है जो पहला मैच होता है क्राउन जूल में गैस वहां पर जीते रोमन रेंज, तो गाइस डे वन में गैस हमको ब्रॉक लेसनर जीते दिख सकते हैं और गाइस हमको फाइनली गैस रेसलमेनिया 38 में गैस इनका एक फाइनल मैच दिखेगा जहां पे हमको पता चलेगा कि कौन होगा विनर और कौन लीव करेगा एज
सीनियर चैंपियन एट रेसलमेनिया 38, बिकॉज ये होने वाला WWE का बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान जो कि वो हमको देखते हुए दिखने वाले इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स जो कि खत्म होते हुए दिखने वाला है रेसलमेनिया 38 में। लेकिन अगर आप रोमन रेंस और ब्रॉक के फैन हो गए, आपके बहुत ही मजे वाले महीने दिन होने वाले हैं इन द कमिंग वीक्स, क्योंकि WWE हमको बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें करते हुए दिखने वाले हैं इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ। सो बस आप बोल सकते हैं ये एक बेस्ट टाइम रहेगा अगर आप रोमन और ब्रॉक के फैन हो, क्योंकि आपको बहुत ही मजा आने वाला है रेसलमेनिया 38 तक रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के फ्यूड में। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।